और चुनाव के इस माहौल के बीच बीजेपी और कांग्रेस अलग अलग जगहों पर रैलियों के जरिए एक दूसरे पर जमकर निशाना साध रहे हैं। बीजेपी के नेता लगातार एक दूसरे पर तीखे बयानबाजी कर रहे हैं। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस को राम विरोधी बताया, तो वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी बीजेपी पर पलटवार किया और कहा कि कांग्रेस युवा, गरीब, दलित और पिछड़ा वर्ग के बारे में कुछ नहीं सोचती। आप बताइए, सनातन विरोधी है कि नहीं है? आप बताइए, एक दिन का डीएमके का नेता के राजा बोलता है कि सनातन एचआईवी है, एड्स है, ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है और कांग्रेस पार्टी चुप रहती है, बिल्कुल चुप रहती है। आप बताइए, ऐसे लोग को समर्थन मिलना चाहिए क्या? मिलना चाहिए क्या? और सबसे बड़ी बात कि कांग्रेस पार्टी को देश विरोधी ताकतों को समर्थन देने में मजा आता है। ये देश विरोधी ताकतों के मूक दर्शक रहते हैं। अभी अभी कर्नाटक में एक राज्यसभा का सांसद नासिर हुसैन, वो राज्यसभा में चुना गया, विधानसभा के अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग गए और मल्लिकार्जुन खड़गे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उनके प्रदेश से ये घटना घटती है, एक शब्द नहीं बोला जाता, एक शब्द नहीं बोला जाता। कौन सा मुस्लिम लीग का इश्यू है उसमें? सबको, सब महिला को एक एक लाख रुपए सालाना देना, ये मुस्लिम लीग का है प्रोग्राम। युवाओं को नौकरी देना, ट्रेनिंग देना और उनको एक लाख रुपए ट्रेनिंग के लिए देना, ये मुस्लिम लीग का है। और किसानों के लिए हम उनकी लीगल गारंटी एमएसपी पे करेंगे, ये क्या किसानों का, ये क्या मुस्लिम लीग का है? एससी एसटी को और बैकवर्ड्स को जो बैकलॉग है और जो सरकार वैकेंसी है वो फिलअप करने के लिए हमने वायदा किया, क्या वो मुस्लिम लीग का है? बोलो आप, कौन सा मुस्लिम लीग का है? अरे 25 गारंटी हमने जो दी सबके लिए दिए है, गरीब के लिए है, महिला के लिए है, युवाओं के लिए है, दलित के लिए है, सबके लिए हमने दिया है।